नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नाइन। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है कि रघुनाथपुर में दिन दहाड़े 40 लाख रुपए से अधिक की ज्वेलरी की दुकान में लूट हुई है। बता चले कि कुछ देर के लिए वहां अफरा तफरी का माहौल हो गया। कहा जा रहा है कि इस बाजार में दिन दहाड़े की लूट यह पहली घटना है। इससे पहले रघुनाथपुर थाना क्षेत्र के पतार बाजार में बैंक लूट की घटना हुई थी, जो करीब 30-35 साल पहले बताई जा रही है। गाँव जवार के लोगों का कहना है कि SBI पतार बाजार ब्रांच में हुई थी वह लूट, याद दिला दी आज यह लूट। बहरहाल रघुनाथपुर बाजार में ज्वेलरी की दुकान बड़ी दुकान में एक ज्योति अलंकार ज्वेलर्स में हुई लूट की इस घटना में शामिल सभी 6 अपराधियों की धरपकड़ में पुलिस जुट गई है। घटना की जानकारी मिलने के बाद SDPO जितेंद्र पांडे मौके पर पहुंचकर मामले की जांच में जुट गए हैं। हालांकि SDPO के मौके पर पहुंचने के दौरान बाजार के व्यवसायियों ने स्थानीय पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए इसका विरोध भी जताया है, लेकिन SDPO ने बाजार के व्यवसायियों से काम करने देने का आग्रह करते हुए उन्हें शांत रहने को कहा। इसके बाद आसपास के लोगों में प्रीत दुकानदारों से उन्होंने घटना के संबंध में जानकारी ली। शोर शराबा के बाद दूसरे को हुई जानकारी। बाजार के बाद लोगों के अनुसार लूट की घटना को अंजाम देने के दौरान एक दो अपराधी दुकान के बाहर खड़े थे, जबकि एक दुकानदार के सिर के ऊपर में पिस्टल ताने हुआ था। बाकी के अपराधी दुकान के अंदर घुसकर सोने चांदी जेवर बटोर रहे थे। दुकान में गहने लेने पहुंची महिलाओं को भी बंधक बनाकर रखा। दुकान के बाहर बाइक खड़ी होने के चलते पड़ोसी दुकानदार ग्राहक समझ रहे थे कि किसी को इस बात का जरा भी अंदेशा नहीं था कि दुकान में घुसने वाले ग्राहक नहीं बल्कि अपराधी हैं। प्रतिदिन इस दुकान पर दर्जनों की संख्या में ग्राहक सोने चांदी खरीदने आते हैं। गमछा और मफलर से मुंह बांधे हुए थे अपराधी। ज्योति अलंकार ज्वेलर्स में लूट की घटना को अंजाम देने आए सभी अपराधी गमछा या मफलर से चेहरा ढके हुए थे। आप देख सकते हैं सीधी तस्वीरों में अपराधियों की लूट की घटना को अंजाम देने के बाद भागने की घटना। एक वीडियो सोशल मीडिया पर भी खूब वायरल हुआ है, जिसमें एक अपराधी अपने साथी अपराधी से बाइक जल्दी से घुमाने की बात कह रहा है। वायरल में वीडियो में अपराधी प्लास्टिक की बोरी में गहने के बॉक्स लेकर के इस वीडियो में दिख रहा है दुकानदार को रोने चिल्लाने की आवाज़ सुनकर सुनाई दे रही है। रघुनाथपुर बाजार में दिन दहाड़े लूट की यह पहली घटना है। बताते चलें कि जो गाड़ी पर बैठ रहे हैं वो प्लास्टिक की बोरी में गहने के बॉक्स और थैले में भरे हुए दिख रहे हैं। आप साफ देख सकते हैं तस्वीरों में हाथ में पिस्टल है, हथियार है। हथियार के भय पर भय दिखाकर 40 लाख से ऊपर की लूट की घटना को दिन दहाड़े अंजाम दिया गया है अपराधियों के द्वारा। सिवान के रघुनाथपुर की यह घटना है और आपको बता दें कि यह दिन दहाड़े एक बड़ी घटना को अपराधियों ने अंजाम दिया। जो लोग खबर को देख रहे हैं शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद। अब एक फोन कॉल पर एम्बुलेंस सेवा उपलब्ध। कॉन्टैक्ट नंबर 7277611786। रचित अस्पताल गोरखपुर जाने के लिए मात्र 3,000 रुपया किराया। फकीरा एम्बुलेंस, अस्पताल रोड, सीवान।